हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की डिस्कशन करेंगे जो एमएस वर्ड में यूज की जाती हैं। नंबर वन, कंट्रोल प्लस ए। इसका काम किसी भी डॉक्यूमेंट में सारे टेक्स्ट को या फिर उसमें जो कुछ भी है उस पूरे को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नंबर टू, कंट्रोल प्लस बी। इसका काम डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है, इससे टेक्स्ट थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। नंबर थ्री, कंट्रोल प्लस सी। इसमें सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका यूज करते हैं। कुछ भी कंटेंट्स जो हमें कॉपी करना है हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे जिससे वो पूरा कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एक्स। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ओ। किसी भी पुराने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, उसमें फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन कीज ओपन बटन पर क्लिक करेंगे जिससे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस पी। इससे कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने से एमएस वर्ड में या अदर प्लेसेस पर भी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ करने से अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कंट्रोल प्लस एफ करोगे तो एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप टेक्स्ट में पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस आई। सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इसका यूज करेंगे। इटैलिक का मीन्स है कि टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस के। डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड पर लिंक क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। अगर हम हाइपरलिंक जनरेट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे तो कंट्रोल प्लस के करेंगे तो उस टेक्स्ट पर हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू। हाइलाइटेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए जिस टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करना चाहते हो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्लस यू प्रेस करो जिससे वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो एमएस वर्ड में यूज किए जाते हैं। किसी भी टेक्स्ट एडिटर जिसमें टेक्स्ट लिखा जाता है उन सभी में ये शॉर्टकट कीज काम करेंगी। ओके, तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे शॉर्टकट कीज समझ में आ गए होंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए अगर आपको कोई और वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने हो। तो थैंक यू।